everybody, welcome back to Khan's Kitchens with Zee. I hope आप सब बहुत मजे में होंगे. आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं बहुत ही यम स्ट्रीट स्टाइल मोमोज और बनने जा रही है साथ में एक बहुत ही झटपट और इंस्टेंट सॉस या चटनी आप उसे कह सकते हैं. तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाने का प्रोसेस. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वेलकम. प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. ऑलराइट फ्रेंड्स, यहाँ पर मोमोज के लिए हम सबसे पहले एक डो लगा लेते हैं. तो डो लगाने के लिए यहाँ पर मेरे पास है 2 कप्स ऑफ ऑल पर्पज फ्लावर यानी मैदा. इसमें मैं डाल दूंगी सॉल्ट टू टेस्ट और साथ ही चला जाएगा 2 टीस्पून ऑफ ऑयल, ये 1 और ये 2. इसे दे देंगे हम एक अच्छा सा मिक्स और हमें इसका एक मीडियम स्टिफ डो लगाना है. मैं आपको बताऊंगी कि कितना पानी गया. मीडियम स्टिफ डो लगा लिया है और इस डो को लगाने के लिए मैंने यूज किया है 1/2 कप प्लस 1 टीस्पून ऑफ वाटर. अब मुझे क्या करना है कि इस डो को कवर करके छोड़ देना है फॉर अराउंड 20 मिनट्स. ठीक है. ऑलराइट, जब तक हमारा डो रेस्ट होता है हम बना लेते हैं इसके अंदर की फिलिंग. उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 चिकन ब्रेस्ट मिंस, जिसको मैंने फूड प्रोसेसर में डालकर मिंस कर लिया है. इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 स्मॉल अनियन या 3 टेबलस्पून ऑफ अनियन फाइनली चॉप्ड, 3 टेबलस्पून ऑफ अनियन ग्रीन्स स्प्रिंग अनियन वाला. यहाँ पर मेरे पास है 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, 1 इंच ऑफ जिंजर और 2 हरी मिर्ची क्रश की हुई फूड प्रोसेसर में, वो भी चली जाएगी इसमें. ये सब काम मैंने फूड प्रोसेसर में किया है, इट मेक्स योर लाइफ लॉट इजियर. और इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस, साथ ही इसमें चला जाएगा 2 टीस्पून ऑफ ऑयल. आप चाहें तो बटर भी यूज कर सकते हैं. 1 मैंने डाल दिया था और ये 1 मोर. जो ऑयल हमने डाला है वो इसे फैट प्रोवाइड करेगा, जो स्टफिंग होगी वो लड्डू टाइप नहीं बनेगी. अब इसमें हम डाल देंगे सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून ऑफ चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर और इसे दे देंगे हम एक अच्छा सा मिक्स. ऑलराइट फ्रेंड्स, ये हमने बना लिया है स्टफिंग. आप इस स्टेज पे इसको टेस्ट कर लें. आपको नमक मिर्ची कुछ भी कम लगती है तो यू कैन ऑलवेज ऐड मोर. मेरे लिए ये परफेक्ट है. आप चाहे तो इसमें कुछ वेजीज भी डाल सकते हैं जैसे कि पत्ता गोभी, कॉर्न. मेरे बच्चों को वो पसंद नहीं इसलिए मैं अवॉइड करूंगी. अब आइए चलते हैं मोमोज बनाने के प्रोसेस में. ऑलराइट फ्रेंड्स, मेरे डो को रेस्ट होते हुए हो चुके हैं 20 मिनट्स. इसको मैं अनकवर कर लेती हूँ और इसको मैं अपने वर्क एरिया पे ले लूंगी. डो को मैंने ले लिया है अपने वर्क एरिया पे. अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून ऑफ ऑयल. इसको हम 2 मिनट के लिए ऐसे नीड कर लेंगे. ऑलराइट फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको 2 मिनट के लिए नीड कर लिया है. अब हमें इसके पीसेस कर लेने हैं. ठीक है, हम एक बड़ी रोटी रोल करेंगे और फिर उसको कट करेंगे. इस हिसाब से आपको पीसेस करने हैं, फिर आपको इसका बना लेना है बॉल. ठीक है, इसमें से हम एक लोई को ले लेंगे या बॉल को ले लेंगे, पेड़े को, और बाकियों को हम वापस से कवर करके रख देंगे. अब हमारे वर्क एरिया पे थोड़ा सा आप फ्लावर डस्ट करेंगे वर्क एरिया पे, उसके बाद इसको रोल करना शुरू करेंगे. इसको आपको इतना थिन रोल करना है कि आपका हाथ इसमें से दिखे. इसके साइड्स पतले होने चाहिए इन कंपैरिजन टू द सेंटर. ऑलराइट फ्रेंड्स, इसको मैंने बेल लिया है. आप इसे किसी भी शेप में बेल सकते हैं, डजंट मैटर. और आप ये देख रहे होंगे कि मेरे हाथ आराम से इसमें विजिबल है. यहां पर मेरे पास 3 डिफरेंट कटर्स हैं अलग अलग शेप के, उसमें से ये सबसे बड़ा है फिर उससे छोटा, तो हम उसके हिसाब से 3 सर्कल्स काटेंगे. इस स्टेज पे आपको लगे कि आपकी ये जो बनी है ये मोटी है तो आप इनको और भी बेल सकते हैं. जैसे मुझे ये लग रहा है कि ये थोड़ी सी मोटी है तो मैं इनको और भी बेल लू. सही, इनको मैं रखूंगी साइड में. अब आपको क्या करना है कि जो सबसे बड़ी वाली है उसके ऊपर आपको छोटी वाली रखनी है. ठीक है, और उसके ऊपर आपको रखनी है सबसे छोटी वाली. अब इसके अंदर हमने जो स्टफिंग बनाई थी हम वो रखेंगे एकदम सेंटर में. मैं इन तीनों को उठाकर दूसरी डायरेक्शन में फ्लिप कर देती हूँ. ऑलराइट, अब मैं स्टफिंग डालूंगी लगभग 1 टेबल स्पून. स्टफिंग एकदम आपको सेंटर में डालनी है. और अब आपको ये कॉर्नर उठाते हुए इसे ऐसे ज्वाइन करना है, एकदम जहां आपकी स्टफिंग है वहां से आपको दबाना है. ठीक है,
अच्छे से दबा देंगे। अभी तक मैंने इस पे पानी नहीं लगाया इसको सील करने के लिए। अब हमें इसे उठाना है, ठीक है, और इसको रोल करना है। ठीक है, अब यहां पर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा वाटर और इसे ऐसे चिपका दूंगी। ठीक है, और ये जो हमारी पेटल्स है रोज की, इसे हमें ऐसे खोल देना है। ठीक है, तो ये एक तैयार हो गया। अब मैं आपको दिखा देती हूँ एक दूसरा तरीका। ये लेंगे, इसमें आप स्टफिंग भरेंगे, इसको आप उठाएंगे ऐसे हाथों में और फिर यहां से इसे पिंच करेंगे, एंड गोइंग फॉरवर्ड पिंच अगेन, गोइंग फॉरवर्ड पिंच अगेन, गोइंग फॉरवर्ड पिंच अगेन, प्रेस पिंच प्रेस पिंच और पिंच, एक ये शेप बन गई। ठीक है, अब मैंने ले लिया है आटे की एक और लोई। इस स्टेज पे आपको अपना स्टीमर ऑन कर देना है सो दैट ये जैसे ही बने आप अपने स्टीमर में डाल सके। अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर फिर से स्टफिंग डालूंगी अ टेबल स्पून, और इसके बाद मैं इसे हाथ में उठाकर इसकी प्लेट्स बनाऊंगी। ये प्लेट ली, क्लोज की प्लेट ली, ठीक है, फिर एक और क्लोज, फिर एक और क्लोज, ऐसे आपको चारों तरफ घुमाते हुए प्लेट्स बना लेनी है। और आप चाहें तो इसे बंद कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे खुला भी रख सकते हैं। ये बन गया तीसरा। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये हमारे मोमोज तैयार हैं। आइए चलते हैं इनको स्टीम करने के प्रोसेस में। स्टीमिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में रख रखा है पानी जो ऑलरेडी बॉयल हो रहा है। इसके ऊपर मैं लगा दूंगी मेरी जाली और इस जाली को हमें करना है ग्रीस विथ ऑयल सो दैट हमारे मोमोज इस पे स्टिक ना हो जाए। अब हम रख देंगे हमारे मोमोज इस पे। अब हम इन्हें कवर करके पकाएंगे फॉर अराउंड 25 to 30 मिनट्स ऑन मीडियम हाई फ्लेम। तो मिलती हूँ 30 मिनट्स के बाद। ऑलराइट फ्रेंड्स, जब तक हमारे मोमोज हो रहे हैं स्टीम, हम बना लेते हैं एक सॉस। यहाँ पर मैंने बोल में लिया हुआ है 1 टेबलस्पून ऑफ शेजवान चटनी जो आता है चिंग्स का, उसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून ऑफ सिराचा और उसमें चला जाएगा 2 टेबलस्पून ऑफ टोमेटो केचप, ये 1 और ये 2। ये बहुत ही अच्छी और स्पाइसी मोमोज की सॉस बनेगी। अगर आपको स्पाइसी ज्यादा लग रही है तो आप टोमेटो केचप की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। और ये हो गई है हमारी बहुत ही इंस्टेंट झटपट सॉस रेडी। ऑलराइट फ्रेंड्स, 30 मिनट्स हो चुके हैं, गैस को हम कर देते हैं बंद और इनको उठाकर देख लेते हैं। ये देखिए, जब आपके भी ऐसे ट्रांसलूसेंट हो जाए मीन्स दे आर रेडी। तो आइए करते हैं इन्हें सर्व। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये तैयार है हमारे बहुत ही डिलीशियस और सुपर यम मोमो। ये है वो वाले जो हमने बनाए थे रोज के शेप में, और ये दूसरी शेप और ये तीसरी शेप, और साथ में है ये बहुत ही मजेदार चटनी जो हमने बनाई थी। तो प्लीज जरूर बनाएं, ट्राई करें, एंजॉय करें। मिलती हूँ एक अगले वीडियो में एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, इससे आपको मेरी वीडियोस देखने को मिलेगी सबसे पहले, वो भी फ्री।